नमस्ते। ज्ञान की सही कीमत तभी होती है जब उसका सही उपयोग किया जाए। आज हमारे साथ हैं मेरी हिंदी टीचर, जिन्हें मैं बचपन से ही कानूनगो दीदी के नाम से जानती हूँ। मेरी मम्मी और कानूनगो दीदी ने ही मुझे हिंदी का सही ज्ञान दिया है और यही ज्ञान मुझे आज जीवन के हर क्षेत्र में काम आ रहा है। आज मुझे अपने काम पर गर्व है, जिसके कारण मैं अपनी आदरणीय दीदी को कुछ राहत दे पाई। बचपन में भी दीदी मेरी प्रेरणा थी और आज भी हैं। मेरी हिंदी भाषा में इन्हीं की झलक है। मैं पद्मा कानूनगो दिशा साहिया की टीचर हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ दिशा साहिया के द्वारा भेजी हुई जो लाइफ चेंजिंग मुद्रा है, उनके बारे में आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। दिशा मेरी स्टूडेंट रही है और उसका पहला परिचय निशा जैन के रूप में ही मेरे लिए है। एक लंबे अंतराल के बाद जब हम लोग मिले, तब मुझे उसका नया नाम निशा साहिया और मुद्रा विशेषज्ञ के रूप में मिला। यही उसका दूसरा परिचय था। निशा की और मेरी आत्मीयता है, इसलिए निशा अक्सर जब कभी कोई विशेष बात या कोई प्रगति करती तो वो मुझे हमेशा बतलाती रहती थी। स्कूल के बाद एक बार जब वो मुझसे मिली तो उसने मुझे बताया था कि उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वह लोगों को एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट करती है और सबकी मदद करती है। अक्सर वह अपनी प्रगति की और अपनी क्लासेस की सारी जानकारी मुझे भेजती रहती और मुझे बहुत कुछ जानकारी उससे मिलती रहती। एक बार अभी उसने पिछले जून में मुझे लाइफ चेंजिंग मुद्रा का वीडियो भेजा। मैंने उन मुद्राओं को देखा। एक साल भर पहले मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी और इस कारण ट्रीटमेंट के बाद भी शरीर में जो स्वाभाविकता आनी चाहिए वह नहीं थी। चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी हुआ, जिससे खाने पीने में अरुचि होने के कारण स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता था। लेकिन संयोग से जब निशा का ये वीडियो मुझे मिला तो सहज ही मैंने उस वीडियो को देखा और उसमें से मैंने मुद्राएं देखकर और समझकर करना शुरू किया। उन मुद्राओं को करते करते 4-5 दिन हुए थे कि एक दिन अचानक मुद्रा करते हुए या अभ्यास करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में कोई छोटी सी पोटली सी है या गठान है, वो अचानक से खुल गई। एक क्षण भर के लिए तो मैं चौंक उठी थी कि ये अचानक से क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करने लगी। उसके बाद मैंने निरंतर अनुभव किया कि उन मुद्राओं से मुझे बहुत धीरे धीरे लाभ होने लगा। कहा जाता है कि सारे रोगों की जड़ पेट ही होता है और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट की गड़बड़ी के कारण ही मुझे ये सारी बीमारियां झेलनी पड़ी हैं। मैंने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने आप को ठीक किया। उन मुद्राओं के करने से मेरे खान पान में, मेरे हाथ पैरों के जो अकड़न थी उसमें, हाथ उठाने में मुझे तकलीफ़ होती थी, चोटी बांधने में तकलीफ़ होती थी, कपड़े पहनने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती थी, उन सारी तकलीफ़ों से धीरे धीरे मुझे छुटकारा मिला और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती रही। मैं सभी मुद्राएं तो नहीं करती, खासतौर से पहली 5 मुद्राएं करती हूँ क्योंकि वे बहुत आसानी से चलते फिरते या वॉक करते हुए मैं कर सकती हूँ। इन मुद्राओं में भी मुझे ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, ये और पृथ्वी मुद्रा, ये 4-5 मुद्राएं मुझे बहुत लाभप्रद मिलती हैं और मैं इनका निरंतर अभ्यास करती हूँ। धीरे धीरे, एक बार की बात है कि मैं जब ऐसे ही घूमने निकली थी तो एक परिचित मिले, तो उन्हें मुझे थोड़ा लंगड़ाते हुए चलते हुए देखकर वे बोले कि अरे आप तो घुटनों का ऑपरेशन करवा लीजिए, इस उम्र में ये सारी परेशानियां होती है, थोड़ा बहुत पैसा ही खर्च होगा। मैं उनकी बात का कुछ जवाब नहीं दे पाई, हाँ हूँ करती रही, पर मैंने मन में निश्चय किया था कि मैं बिना ऑपरेशन के अपने आप अपने पैरों को ठीक करूँगी। और इस अभ्यास के करते करते मैंने निश्चित ही मैं अब सीधी तरह से या ठीक तरह से चल लेती हूँ।
कुछ दिन पहले जब वे महाशय मुझे मिले तो मुझे देखकर कहने लगे, आखिर करवा लिया ना आपने ऑपरेशन? मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप ऐसे ठीक कैसे हुए? मैंने कहा ये तो मुद्राओं के कारण हुआ है, मेरी एक स्टूडेंट है उसने मुझे बताया था, उनको इस बात का कभी विश्वास नहीं हो। बोले बिना ट्रीटमेंट के तो कोई इस तरह से ठीक हो ही नहीं सकता। मैंने उनकी बात का कुछ विरोध तो नहीं किया, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि हुई कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई। मैंने भावना माहेश्वरी जी का वीडियो भी देखा है और उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी ये सपना आया है कि मैं भी 2 किलोमीटर तक चल सकूं। अभी केवल मैं 0.5 किलोमीटर तक चल सकती हूं, बाकी मैं अपने सारे काम करती हूं, छोटे मोटे काम दूसरों की भी मदद कर सकती हूं। ये परिस्थिति पर निर्भर होता है, पर अब मुझे हाथ ऊपर उठाने में, कंघी करने में या कुछ भी करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। भविष्य में भी इन मुद्राओं को पूरी तरह से करूँगी। भावना जी की बात सुनकर मेरे मन में भी 2 किलोमीटर तक चलने का एक सपना आया है। ईश्वर की कृपा रही और निशा का सहयोग मिला तो मैं ज़रूर अपने इस सपने को पूरा करूँगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग इन मुद्राओं को करके देखें। इन मुद्राओं को बिना किए हुए इसका लाभ का अनुभव कोई भी नहीं कर सकेगा। और जो लोग बीमार हैं या थोड़ी उनको प्रॉब्लम है तो वे इन मुद्राओं को करें। हाँ, बहुत बड़ी बात है तो ज़रूर है कि डॉक्टर से वे बात करें या डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाएं, इससे बेहतर है कि इन मुद्राओं को वे करें और इससे लाभ प्राप्त करें। जब तक कोई भी व्यक्ति इन मुद्राओं को करेगा नहीं या इसका अभ्यास नहीं करेगा, इसको अपनाएगा नहीं, तब तक वह इसके लाभ का अनुभव नहीं कर सकता है। मैं आशा करती हूँ जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वे निश्चित इन मुद्राओं को अपनाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर निशा सहिया से सहयोग लेंगे। मैं अपनी वाणी को अंत में विराम देने से पहले कामना करती हूँ कि निशा हमेशा ऐसे ही श्रेष्ठ कार्यों के और उद्देश्यों के प्रति अग्रसर होती रहे और सदैव दूसरों का हित करते हुए, दूसरों को सुख पहुँचाते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त करें।